हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। सो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग एक रिसॉर्ट में आए हैं। सो थोड़ी डिटेल्स देती हूँ, बट उसके पहले मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो दे देती हूँ। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड। ये चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। तो आज हम लोग फूड के लिए नहीं, एक रिसॉर्ट के लिए आए, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल चिल करने के लिए, स्टेकेशन आप बोल सकते हो। मतलब वन नाइट, टू डेज इन द सेंस, सेकेंड डे तो चेकआउट ही होता है, बट यू काउंट इट एज टू डेज। एंड यहाँ का वेदर काफी अच्छा है, सुबह में काफी बारिश हो रही थी। ये करजत में है एंड इसका नाम है NB's एंड DB's हॉलीडेज। स्टेशन से कुछ आधा घंटा ही दूरी पर है। ऑटो से आप आओगे तो ऑटो वाला 300-400 जितना बोलेगा, बट आपको बार्गेन करके 200-250 में आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। एंड बाकी और डिटेल्स में बताऊंगी, मतलब हम लोग भाईंदर से कैसे ट्रैवल किया एंड ऑल, ट्रेन एंड ऑल, ये सारी चीजें बताऊंगी। बट फिलहाल अभी वेदर की बात करते हैं। सुबह में काफी अच्छा वेदर था, काफी अच्छी बारिश हुई है एंड अभी यहाँ पे भी देखोगे ना, सारे चारों बाजू ग्रीनरी है। मतलब काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी जरा भी गर्मी नहीं लग रही, धूप तो नहीं है फिलहाल के लिए। एंड आई एम अज्यूमिंग कि दिन में वेदर और भी अच्छा होगा एंड रात में ये जगह और भी ज्यादा अच्छी लगेगी एंड क्या बोलते हैं वो मौसम भी सुहाना लगेगा एंड हम लोग एक्चुअली अच्छे से चिल कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको फटाफट मेरा रूम टूर देती हूँ एंड यहाँ पे आजू बाजू और क्या क्या है, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज है, वो सारी चीजें भी बताती हूँ। सो ये हमारा विला है आज के लिए, विला बोलो या फिर रूम बोलो, वट एवर यू कैन से। सो इसका नंबर है 105 एंड ऐसे पांच विलाज है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 एंड हमारा वाला 5 है। ऑलमोस्ट सारे एक जैसे ही विलाज है, बट शायद सामने वाला है ना, इट इज ऑल व्हाइट कलर इंटीरियर्स, तो लेकिन अभी वो बुक्ड है, मतलब वहाँ पे गेस्ट ऑलरेडी है। शायद शाम को या फिर कल खाली हुआ एंड मुझे मौका मिला तो मैं वो भी, उसका भी इंटीरियर्स बताऊंगी आप लोगों को। एक डॉर्मेट्री भी है, अगर वो भी खाली हुआ उसका भी क्या प्राइसिंग एंड ऑल है, मैं वो सारी भी चीज़ बताऊंगी। बट पहले हम लोग हमारा रूम टूर कर लेते हैं एंड बाकी सब फिर मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मस्त एकदम चिल करने के लिए आपको सीटिंग स्पेस है, फैन है एंड चार्जिंग वगैरह। आपको चाहिए कि लैपटॉप पे बैठ के आपको कुछ अलग, वर्क फ्रॉम होम है आपका तो आप भी थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हो, डिफरेंट प्लेस पर काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आराम से बैठ के चार्जिंग लगा के काम कर सकते हो। एंड बाहर की ग्रीनरी तो आपको दिख ही रही है एंड मतलब रूम से भी मुझे ये ग्रीनरी डायरेक्टली दिखेगी, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। कर्टन्स खोलेंगे एंड मुझे डायरेक्टली ये सामने दिखेगा। एंड मतलब आप सोचो, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम है, आप ऐसे कई जगह पे चिल करने के लिए आ रहे हो, स्टेकेशन के लिए आ रहे हो, तो ये कितना मस्त है। मतलब यहाँ पे बारिश होते रहे, चाय का कप, लैपटॉप एंड मस्त काम करते रहे, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी मेरे को ऐसे लगता है। तो चलिए अभी मैं आपको अपना रूम टूर देती हूँ। काफी स्पेशियस है ये, डबल बेड है, फुल्ली मतलब किंग साइड डबल बेड है एंड काफी स्पेशियस है। ये ऑल आउट वगैरह दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, एसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इनफैक्ट फैन की भी जरूरत नहीं, इतना ठंडा लग रहा है ना यहाँ पे, काफी ठंडा लग रहा है। एंड बेसिक इन्होंने जो चीजें चाहिए रहती है, जैसे टॉवल्स वगैरह दिया, अभी मैंने इसको कहीं जगह पे रखा नहीं है, जैसे था वैसे ही रखा है। एंड एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, ये सब है। एंड जैसे आप लोग ने देखा होगा टीवी वगैरह में सेलिब्रिटीज लोग फैन रिमोट से चालू करते हैं, तो यहाँ पे भी फैन ना रिमोट से चालू होता है। तो कभी मेरा भी ऐसा होगा तो मैं भी अपने घर में फैन रिमोट वाला ही लगाऊंगी, क्योंकि हमेशा झगड़ा होता है मेरा और विकी का, फैन तू बंद कर, फैन मैं बंद करूँ, ऐसे होता है। तो रिमोट वाला फैन है ये, मुझे बताना था। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है तो अंदर, मैं इसको खोल कर नहीं बता रही हूँ, मतलब काफी अंदर भी जगह है। अगर आपके पास लगेज वगैरह है तो आप लोग यहाँ पर आराम से रख सकते हो। एंड दिस इज योर ड्रेसिंग टेबल, अगर आप लोगों को अपना मेकअप वगैरह का सामान रखना है यहाँ पे आराम से आप लोग तैयार हो सकते हो। टीवी दिया हुआ है, अगर आप लोगों के पास टाइम है, बाहर से फुर्सत मिले आप लोगों को, अंदर बैठ के टीवी देखने का मन करे तो टीवी भी देख सकते हो। एंड जो नॉर्मल स्टार्टिंग में मतलब पानी की बॉटल एंड दो सोप्स दिए, अगर आप लोगों को और लगे तो आप लोग साबुन वगैरह तो मांग सकते हो। ऑफकोर्स पानी वगैरह जितना भी आपके रूम में होगा, आई मीन कॉस्ट में अवेलेबल होगा, वो सारा मिल जाएगा आपको। देन ये बाथरूम है, बाथरूम भी मतलब काफी बड़ा है एंड क्लीन तो है ही, मतलब आप देखोगे तो नॉर्मल वॉश बेसिन, हैंड वॉश, मिरर्स, फ्लश एंड यहाँ पे शावर एरिया, मतलब मैं शावर एरिया में जाके नहीं बता रही, नॉर्मल जैसे बाल्टी वगैरह है, प्लस गीजर वगैरह की भी फैसिलिटीज है, अगर आपको गर्म पानी वगैरह चाहिए तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। एग्जॉस्ट भी है, मतलब बाथरूम में जितनी भी नॉर्मल फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारा कुछ है यहाँ पे। एंड नॉर्मल मतलब इतना ही चीज लगता है, इससे ज्यादा क्या ही लगता है। और कुछ एडिशनल चाहिए तो आप लोग इन लोगों से बात कर कर ले सकते हो। एंड रूम तो काफी बड़ा है, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे आते हो ना, काफी सारा लगे जाएगा, मतलब दो जन के लिए बेड दिया हुआ है, लेकिन रूम देखो आप कितना बड़ा है, मुझे लगता है इतना ही बड़ा एक और बेड आ सकता है यहाँ पे, इतने लोग आराम से आ सकते हैं। तो रूम टूर से तो इतना ही है फिलहाल कुछ।
अभी और आगे की डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग पर एंड तक। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बोल रही थी कि बारिश नहीं है, बट वेदर काफी अच्छा है। एंड अभी देखो बारिश भी हो गई, एंड वहाँ सामने मैंने ये चीज अभी नोटिस की, मतलब ऐसे एकदम फॉगी हो गया, एकदम सामने के साइड पूरा फॉगी हो गया। एंड बारिश होने के बाद यहाँ पे मुझे और भी अच्छा लग रहा है, एंड ये ऐसे नज़ारों के साथ चाय पीने का मजा कुछ और ही है। हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह अभी फिलहाल कुछ नहीं, बट मैंने इन लोगों को बोला मुझे एक कप चाय चाहिए बारिश में एंजॉय करने के लिए, उसके बाद तो काम करना है ऑफिस का। सो जस्ट अब मैं ये व्यू देखते देखते चाय की सिप मार रही हूँ, मजा आ रहा है मेरे को। मतलब अगर आप लोग आना चाहते हो चिलिंग के लिए यहाँ पे, तो दिस प्लेस इज गुड, एटलीस्ट फॉर मॉनसून तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पे। सो वो सामने हमारा कॉटेज विला या रूम जो भी बोलो, एंड बस थोड़ा सा चल के आते हैं तो यहाँ पे आपको खाने के लिए एरिया, मतलब यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर हाई टी वगैरह सब कुछ यहाँ पे होता है। वहाँ पे उन लोग सारा बुफे लगा देते हैं, एंड देन यहाँ पे काफी सारे प्लांट्स है। ये आप, मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक लेके जाके बताती हूँ, आप लोग मुझे बताना ये कौन सा प्लांट है, मुझे नहीं पता है। सो कमेंट सेक्शन में बताओ इफ़ यू आर अवेयर कि ये कौन सा प्लांट है। बहुत सारे हैं, इसके ही प्लांट है सारे यहाँ पे। वो गेट दिख रहा है, वहाँ से हमारा एंट्री हुआ था। ये दूसरा कॉटेज है। अभी मैं स्विमिंग पूल के पास जाती हूँ, अभी फ़िलहाल स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जाने वाली, बट आप लोगों को दिखाने के लिए स्विमिंग पूल के पास जा रही हूँ। ये सामने की इनकी एंट्री है, पीछे प्ले एरिया है, बच्चे लोगों को गार्डन में खेलना है तो थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस है, बट है। कैरम वगैरह खेलना है तो वो सब भी आपको यहाँ पे अंदर मिल जाएगा, मतलब रूम में प्रोवाइड करेंगे। बैडमिंटन वगैरह सब है इनके पास में, कैरम बोर्ड वगैरह। एंड दे ये है स्विमिंग पूल वाला एरिया। बारिश होके गई है तो ये पूरा वेट है, एंड दिस इज स्विमिंग पूल। बच्चे लोगों के लिए वो सेक्शन है एंड बड़े लोगों के लिए ये सेक्शन है। बड़ा है, डिसेंट है, मतलब अभी फिलहाल तो मैं नहीं जा रही हूँ, अगर आफ्टरनून में लंच के बाद मन हुआ तो ज़रूर जाएंगे स्विमिंग पूल में, एंजॉय करेंगे। ऊपर जो दिख रहा है आपको वो डॉर्मेट्री, अभी पता नहीं खाली है कि नहीं, अगर मुझे चांस मिला तो वो जाके भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी फुल ऑफ ग्रीनरी है, बारिश की वजह से सब कुछ अच्छा लग रहा है, फुल ऑफ ग्रीनरी है, हर जगह पेड़ पौधे झाड़ सब है। चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, लंच का टाइम हो जाएगा तब तक, सी यू ऑन लंच। सो ये जैसे मैंने आपको डॉर्मेट्री के बारे में बताया था, यहाँ पे देखो 7 लोगों के लिए जगह है, 2 बेड्स है, ये किंग साइज से भी ज्यादा बड़ा बेड है। एंड मतलब 2 फैमिली को देंगे कि नहीं इसका आइडिया मुझे नहीं है, मतलब अगर आप लोग बहुत ज्यादा लोग आ रहे हो, 7-8 जन आ रहे हो, तो आप लोग इसका प्राइसिंग एंड ऑल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सारी चीजें। बट आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली NBNDB हॉलीडेज पर कनेक्ट कर चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी उनको मैसेज कर सकते हो। सो दिस इज द डॉर्मेट्री, एंड वो साइड में वॉशरूम एंड ऑल है, मतलब वो नहीं दिखा रही हूँ, बट ये है। एंड ऊपर का व्यू काफी अच्छा है, मतलब यहाँ से आप नीचे देखोगे तो गार्डन एंड ऑल, मतलब आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा। एंड बारिश आती होगी तो यहाँ पे ऊपर बैठ के भी पानी पीने का मजा। और शिट, एक और चीज मैं तो अभी देख रही हूँ, ऊपर आई हो तो अभी सी दिस, वाओ ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये कितना ब्यूटीफुल है, मस्त ऐसे लग रहा है, एकदम स्लो मोशन में लेक पानी फ्लो हो रहा है, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हो गया मैं डॉर्मेट्री दिखाने के लिए ऊपर आई, एंड मुझे भी ये सारा व्यू देखने के लिए मिल गया। सामने के साइड में भी शायद कुछ लॉज वगैरह है, उसका नाम मुझे आइडिया नहीं है, बट वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ पे बाहर चेयर एंड टेबल्स है ना, यहाँ पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो ऑफकोर्स आप लोग मांग सकते हो, अगर आप लोग ज्यादा लोग हो। बट ऊपर तो डॉर्मेट्री में तो मजा ही आ गया, अगर आप लोगों के साथ ज्यादा लोग है, ज्यादा फैमिली है आपकी, बड़ी फैमिली है, तो यहाँ पे आके पक्का चिल कर सकते हो। बारिश में तो बस मस्ट विजिट प्लेस है ये, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हम लोग 2 ही जन है तो इतना बड़ा रूम हम लोग तो ले नहीं सकते, बट ये पीछे का व्यू काफी अच्छा है। ऐसे तो मुझे पानी बहुत ज्यादा पसंद है, बट मुझे फिर भी डूबने से बहुत ज्यादा डर लगता है। मतलब मैं वहां पर गई थी एंड मैं वहां पर नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पैर नीचे ही नहीं पहुंचे थे, यहाँ पे मैंने बोला कि चलो ठीक है
यहाँ पे आई कैन गो डाउन, बट स्टिल मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पानी के बीच में जाऊँ। मैं विक्की को बोल रही थी मैं बच्चे लोग वाला पूल में चली जाती हूँ, बट ही सेड कि एक बार जाके ट्राई कर, तो मैं यहाँ पर आ गई एंड मजा आ रहा है। मतलब ऐसे यहाँ पे दिस इज फॉर किड्स एंड आई एम ट्राइंग टू गो देयर। लंच वंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आप लोग आराम से आ सकते हो। सॉरी, द वॉटर इज चिल्ड एंड क्लीन। यहाँ पे नीचे एनबी एंड डीबी हॉलीडे, मतलब वो लोगो जो होता है वो भी आप लोगों को दिखाई देगा। आई होप मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी क्योंकि मैं बिना माइक के आई हूँ। सो जस्ट अभी थोड़ा सा चिल करेंगे एंड बाद में लंच करेंगे। चल, I'm walking in the water. I'm not swimming, I'm walking in the water because I don't know swimming. So, अभी ढाई बज गया ना, अभी हम लोग लंच के लिए आए हैं। मतलब 2 बजे ही लंच रेडी हो गया था, तो मैं आपको जस्ट ये जो भी इनके बफे में है, बुफेट में है, वो बताती हूँ। पापड़, ये चावल की भाकरी, रोटी नॉर्मल, ये मूंग की ड्राई सब्जी, यू कैन कॉल स्प्राउट्स, देन ये आलू कैप्सिकम है, आलू कैप्सिकम मतलब आलू शिमला मिर्ची की सब्जी, ये राइस है एंड ये दाल फ्राई है एंड ये बंद है। इसके अंदर नॉन वेज है, मैं नहीं बता रही हूँ इसके अंदर क्या है। सो कुछ चिकन की कुछ आइटम है, सो बट मैंने नहीं बताया। एंड अभी मैं इसका फूड रिव्यू एज सच नहीं दूंगी, बट टेबल पर लेकर बैठती हूँ एंड ओवरऑल रिव्यू आप लोगों को दे दूंगी। तो दिस इज अनलिमिटेड, मतलब जो भी आपका प्राइसिंग होगा वो उसके अंदर आ जाता है, जितना आपको चाहिए उतना पेट भर के आप खा सकते हो। एंड डाइनिंग एरिया तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया, यहाँ पे ऑलरेडी लोग खाना खा रहे हैं। सो यहाँ पे आराम से, एंड बाहर वापस से बारिश शुरू हो गई, बट कैमरा में इतना नहीं दिख रहा होगा। तो पहले मैंने थोड़ा सा चाय एंजॉय किया था ना, अभी अपना लंच एंजॉय करूँगी। चलिए फिर मैं लंच के बाद मिलती हूँ। सो मुझे फूड रिव्यू ऐसा सच नहीं देना था, बट मैंने सोचा इतना अच्छा खाना है तो मैं बताती हूँ। मतलब सिटी में आप फैंसी खाना तो खाते हो, बट यहाँ पे मतलब गाँव साइड में आए हो तो एकदम ये बोलते ना देसी सादा खाना, मतलब एकदम ऐसे लगेगा आपको घर जैसा खाना, घर जैसा टेस्ट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके लिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताती हूँ। एंड लास्ट में ना इन्होंने ये सेवई का खीर भी ये किया, एंड ये भी मैंने खा के देखा, ये भी काफ़ी टेस्टी है। मतलब लास्ट में ये बुफे में नहीं लगाया हुआ था, अलग से उन्होंने सबको सर्व किया। मेरे को स्पेशली ये मूंग एंड दाल तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें पता नहीं समा मुझे ऐसा लगा कि कोकोनट ऑयल यूज़ किया शायद इसकी वजह से, बट विकी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि एकदम देसी खाना है, तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो ना, तो आप नेचुरल वेदर के साथ नेचुरल खाना एक्सपेक्ट करना, नॉट द फैंसी फूड विच यू ईट मतलब बाहर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। बाकी टेस्ट वाइज इट इज़ जस्ट ऑल गुड। एंड बाकी अभी हाई टी एंड डिनर भी होगा, वो भी सब मैं आपको बताती हूँ। सो अभी हम लोग जस्ट हाई टी के लिए आए, 6:30 मतलब ऑलमोस्ट 6:20 हो गए, 6 बजे रेडी हो गया था, क्योंकि हम लोग ने लंच वगैरह भी लेट किया, तो हम लोग थोड़ा लेट ये किया। एंड अभी जैसे हम लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम के पर्क्स भी है, मतलब फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। बाहर आए तो भी हमको काम तो करना पड़ रहा है, सो पूरा दिन तो काम कर करके ऐसे निकला। अभी मैंने जस्ट लॉग ऑफ किया है, एंड अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे थोड़ा ग्रीनरी को एक्चुअली एन्जॉय करेंगे, अपने बालकनी में बैठेंगे। एंड बस अभी ये चाय, अगर इसके बाद लगा तो एक और चाय शायद मिलूंगी। एंड नाश्ते में हम लोगों को ये 2 ऑप्शंस, मतलब ये भजिया गरम गरम ही था एक्चुअली, बट हम लोग लेट आए इसके लिए थोड़ा सा ठंडा हो गया। एंड ये ब्रेड बटर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिया, बस ये चटनी एंड सॉस। एंड बाकी वेदर तो अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही, दोपहर में काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, यहाँ पे ज़रा भी गर्मी नहीं है, एकदम भी गर्मी नहीं है। एंड अभी डिनर आएगा, डिनर के भी बारे में बताऊंगी, एंड प्राइसिंग के लिए तो आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना ही पड़ेगा। एंड वो जो मैंने व्हाइट वाला रूम बताया था कि मतलब पूरा व्हाइट इंटीरियर है, वो रूम भी अभी क्लीनिंग हो रहा है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो सुबह से जो मैंने आप लोगों को बताया था व्हाइट इंटीरियर्स वाला रूम, तो ये वही रूम है, एंड इसको बोलते हैं हनीमून सूट्स। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सब कुछ व्हाइट में किया हुआ है, थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने के लिए। ऊपर सीलिंग्स वगैरह में भी ऐसे मतलब ये व्हाइट कलर का डायमंड्स वाले लाइट्स है, एंड उसको बंद करेंगे तो और एक मतलब 2 लेयर्स है, अगर आप बंद करोगे तो थोड़ा सा डिम लाइट वाली फीलिंग आएगी। एंड इंटीरियर्स देखो सारा कुछ व्हाइट है, वार्डरोब व्हाइट है, ड्रेसिंग टेबल व्हाइट है, एंड कर्टन्स भी मतलब बाकी रूम से अलग है, मतलब यहाँ का कर्टन्स थोड़ा सा प्रीमियम लुक दिया हुआ है। इसका प्राइसिंग एंड ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट जस्ट कि बाकी जितने भी रूम्स थे वो सारे एसी सूट्स थे, मतलब डीलक्स एसी सूट्स थे, एंड दिस इज हनीमून सूट। यहाँ पे मतलब 2-3 नॉन हनीमून सूट भी बन सकता है, बट इफ़ यू वांट टू कम हियर फॉर हनीमून तो ये रूम आप लोगों को मिलेगा। प्राइसिंग एंड ऑल तो मैं सबका आपको
एक साथ ही बताऊंगी। बाकी फैसिलिटीज वापस वही है, एसी, टीवी, जो मतलब दूसरे एक्स्ट्रा वार्डरोब वगैरह रखने के लिए, मतलब सामान रखने के लिए जगह वगैरह चाहिए, बेडशीट, टॉवल्स, ये नॉर्मल फीचर्स है, बट इसका लुक एंड फील बहुत ज्यादा प्रीमियम है एंड व्हाइट में सब कुछ डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर कर्टन्स वगैरह काफी अच्छे हैं, मतलब एकदम ऐसे हल्के वाले कर्टन्स नहीं, एकदम भारी वाले कर्टन्स है, विच आर लुकिंग गुड ऑल्सो एंड ब्यूटिफुल ऑल्सो एक्चुअली। सो ये अभी रात हो चुकी है एंड मतलब ये रेन डांस वगैरह तो आपने वीडियो में देखा ही था, बट अभी वापस नाइट व्यू मेरे को दिखाना था आप लोगों को। लाइट चालू होने के बाद अच्छा लग रहा है, अभी भी ये ना फुल वोल्टेज वाली लाइट नहीं है, थोड़ा सा वोल्टेज का इशू है, वोल्टेज कम है यहाँ पे। म्यूजिक वगैरह सिस्टम वगैरह सब कुछ ऑन है, माहौल एकदम सेट है। अगर आप लोग आ रहे हो, आप लोगों को कुछ बूज करना है, फ्रेंड्स के साथ चिल करना है, ब्रीजर एंड ऑल पीना है, तो बैठ के आप आराम से कर सकते हो। वो साइड में भी वोल्टेज कम है, जैसे ही वोल्टेज फुल आता है मैं आप लोगों को पूरा बताती हूँ, बट ओवरऑल यहाँ पे आप दे सकते हो कि कितना शांति लग रही है, आराम से म्यूजिक में, स्विमिंग पूल में भी अगर नहाना है, बैठना है, चिल कर सकते हो, यहाँ पे चेयर्स लगा के आराम से चिल कर सकते हो। आई एम जस्ट एंजॉइंग माई टाइम ओवर हियर। अगर आप लोग नियर बाय रहते हो करजत वगैरह, या फिर आप लोग सेकेशन देख रहे हो, वन डे टू डेज जो भी है, यहाँ पे आना मस्ट है। मॉनसून इज द बेस्ट टाइम टू कम ओवर हियर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो आज हमारा डे टू है एंड ये मैं कल आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा मैं आज बताती हूँ। हम लोग डायरेक्टली ये विंडो खोल के यहाँ पे ऐसे बाहर जाके ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं एकदम अच्छे से। एंड ऐसे व्यू तो मैंने आपको कल भी बताया था, बट जस्ट मॉर्निंग में अच्छा लग रहा है ऐसे, व्हेन यू वेक अप टू दिस ब्यूटिफुल सीनरी एंड ऑल। सो आज बस अभी जस्ट 9:30 बजे हम लोग थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन चेकआउट करेंगे। मुझे काफ़ी मज़ा आया, मतलब मैं रात को भी मुझे बहुत अच्छे से नींद आई, क्योंकि परसों रात को हम लोग 3 बजे घर से निकले थे, क्योंकि यहाँ पे करजत पहुँचना था एंड ऑफिस वगैरह भी मैनेज करना था। सो अभी ब्रेकफास्ट में क्या है वो सारी चीज़ें बताऊँगी एंड देन प्राइसिंग की भी डिटेल्स आपको सारा कुछ बताऊँगी मैं। सो आज हम लोग को ब्रेकफास्ट में पोहा है एंड मिसल पाव है। ये साइड में आप आते हो तो नॉर्मली ब्रेकफास्ट में मिसल पाव ऐसे होता है एंड मिसल पाव एनीवेज मेरा फेवरेट, अगर आप लोग पुराने वीडियोस देख रहे हो तो। बट अभी कोल्ड से थोड़ा सा डाउन हूँ एंड अभी ओवरऑल जैसे मैंने आप लोगों को सुबह ही बताया कि मेरा स्टे एंड ऑल, मुझे मेरे को काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे एंड मॉनसून का जो वेदर है, सीनरी है, ग्रीनरी है, ये सब कुछ देख के मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड आप लोग नियर बाय रहते हो या फिर 1 or 2 days के लिए फैमिली के साथ स्टेकेशन देख रहे हो अफोर्डेबल प्राइस में, तो दिस प्लेस इज मस्ट विजिट, एनबीज एंड डीवीज हॉलीडे इन करजत। स्टेशन से सिर्फ 30 मिनट्स दूरी पर है, मैंने ऑलरेडी बताया रिक्शा वाला 300-400 मांगते हैं, बट आप लोग 200 रुपये में आ सकते हो, क्योंकि हम लोग 200 रुपीज़ में आए करजत से, मतलब दादर से हम लोग ने करजत के लिए मॉर्निंग में ट्रेन लिया था। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 2.5 घंटे में दादर से लेके करजत, ये NBNDB हॉलीडेज तक 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच गए। सो ट्रेन्स बहुत सारी फ्रीक्वेंसी बहुत है ट्रेन की दादर से करजत के लिए, तो कोई ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं है। आपके पास पर्सनल कार है तो आप वो भी लेके आ सकते हो। सो अभी मेन मुद्दे पर आते हैं जो है प्राइसिंग। सो प्राइसिंग की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया 5 कॉटेजेस है, 5 कॉटेजेस में एक आपका हनीमून सूट है, तो जो बाकी के हैं दैट इज AC डीलक्स कॉटेज बोल सकते हो, जिसका प्राइसिंग है पर पर्सन 3,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप लोग तीन लोग हो जाते हो, मतलब मोर देन 2 पर्सन हो, तो उसका प्राइसिंग आपको 2,500 पर पर्सन हो जाता है। रूम की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6 to 7 पर्सन है, रूम्स काफ़ी बड़ा है, नीचे गद्दे वगैरह लगा के आराम से सो सकते हैं। एंड ये 2,500 एंड 3,000 इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ फूड, इस यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ पे नहीं करना।
हाँ कुछ आप एडिशनली लेते हो जो इनके मेन्यू से अलग है, मतलब कुछ छास या स्प्राइट या एडिशनल टी वगैरह कुछ लेते हो, उसका आपको ऑफकोर्स पे करना है एज यूजुअल जैसे बाकी सब जगह होता है। तो नॉर्मल कॉटेज का बताया, फिर आता है हनीमून सूट। हनीमून सूट का अगर सिर्फ कपल है पर पर्सन इज 3,500, बट वहाँ पे भी अगर तीन से मतलब दो से ज़्यादा लोग हो जाते हो तो दैट प्राइस इज अगेन 2,500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ फूड। जो भी प्राइसिंग बता रही है उसमें आपको फोर टाइम का मील है, जैसे आप आते हो आपको लंच मिलेगा, हाई टी मिलेगा, फिर रात का डिनर एंड अगले दिन का ब्रेकफास्ट मिलेगा। देन आता है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री में कुछ 8 से 10 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ पे भी थोड़ा गद्दा वगैरह लगा सकते हैं एंड बेड के ऊपर 7 से 8 लोग आराम से सो सकते हैं। तो उसका प्राइसिंग है कुछ 2,200 रुपया पर पर्सन एंड दैट इज अगेन इंक्लूसिव फूड। एंड अगर आप लोग और भी ज़्यादा लोग हो या कुछ भी, तो आप लोग डायरेक्टली मतलब मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाल दूंगी, आप लोग कॉल करके इंक्वायर कर सकते हो एंड और कुछ आपको एडलेस करना है तो वो भी कर सकते हो, एंड कुछ सेलिब्रेशन वगैरह के लिए कुछ करना है तो वो भी आप कॉल वगैरह कर बात कर सकते हो। एंड चलिए अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कविक्स वाली सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए। मिलते हैं मेरे